हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम रिचार्जेबल फैन बनाने वाले हैं। इसको धूप से भी चार्ज करेंगे, इसमें सोलर प्लेट लगाएंगे। इसको कैसे बनाते हैं सुस्त लेकर एंड तक वीडियो पूरी वॉच करना। अपने चैनल है तो उनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बनाना स्टार्ट करना। गाइस, हम इसको बनाने के लिए वीडियोकॉन की बैटरी ले रहे हैं। ये 1800 mAh की है, इसमें प्लस माइनस प्रिंटेड है, प्लस और माइनस। देख सकते हो वीडियोकॉन की बैटरी है, देख सकते हो इसमें 1800 mAh की। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसका यूज लिया है। ओके गाइस, तो कुछ इस प्रकार से है। अब ना दूसरी चीज क्या लेते हैं, हम दिखाता हूँ मैं आपको। कई समय ये चार्जिंग मॉड्यूल ले रहे हैं, टाइप बी वाला, देख सकते हो चार्जिंग मॉड्यूल। इसको मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज लिया था। कई समय चार्जिंग मॉड्यूल ले रहे हैं। ओके गाइस, ये अपनी बैटरी को बहुत अच्छे से चार्ज करेगा। और हम एक सोलर प्लेट भी ले रहे हैं, 6 वोल्टेज की है गाइस, ये 6 वोल्ट निकाल देगी धूप से। ओके गाइस, इसलिए हम ये इसका यूज ले रहे हैं। इसमें प्लस माइनस प्रिंटेड है पीछे। ओके गाइस, तो कुछ इस प्रकार छोटी वाली सर्कल ले रहे हैं। इसके ना और हम डिब्बे वाली भी आती है, स्क्वायर वाली, रेक्टेंगल वाली भी आती है, आप वो भी ले सकते हो। मैं ये वाली ले रहा हूँ सर्कल। और एक रॉकेट स्विच की आवश्यकता होगी, छोटा रॉकेट स्विच ले रहे हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं, मैं पर छोटा ले रहा हूँ, छोटी जगह में यूज लेने के लिए। हम एक डीवीडी मोटर ले रहे हैं, इसको डीवीडी मोटर कहते हैं आम भाषा में, कह देते हो। इसमें हमने प्लस प्लस माइनस लिख रखा है, ये प्लस और ये माइनस। इससे क्या होगा कि ना अपनी हवा है जो ना यहाँ पे ऐसे फेंकनी चाहिए, ना कि ऐसे फेंकनी चाहिए उल्टी तरफ में। इसलिए ऐसे तरफ फेंकने के लिए इसमें ऐसे प्लस माइनस है। ओके, आप भी ऐसे ट्राई कर लेना, ये आपको अच्छे से मिल जाएगी। खराब डीवीडी प्लेयर रहते ना उसमें से भी निकाल सकते हो। गाइस, मैंने इसको खरीदी है। ओके, उसको ना पॉपुलर ले रहे हैं, उसकी पंखुड़ी मतलब देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसे चलाएगी। ओके, इसके साइज की। ओके, तो इतनी सी कुछ इतनी सी चीज़ें चाहिए होंगी आपको इसको बनाने के लिए, बहुत इतनी ही सी गाइस। और इस मटेरियल के लिए हम ले रहे हैं पीवी शीट, जैसे तो इसमें पीवी शीट। पहले इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ना इसमें अपना ये चार्जिंग मॉड्यूल, एक स्विच, ये सब आ जाए, फिर आपको मैं बताता जाऊंगा इसको कैसे क्या करना है। पहले जल्दी से बॉक्स बना लेते हैं इसका। तो मैंने ये बॉक्स तो बना लिया है, इसमें देख तो इसमें बैटरी तो आ जाएगी अच्छे से, अपनी बैटरी देख तो बैटरी तो अच्छे से आ रही है। और इसमें चार्जिंग मॉड्यूल और ये लगाएंगे गाइस। इसको मैंने थोड़ा यूनिक प्रकार से बनाया गाइस, देख तो ऐसे मैंने लगाए क्योंकि ना अच्छे से फिनिशिंग आ सके। और गाइस, इसका अपने ऐसे लगा लिया, इसको ऐसे लगाना है। ओके गाइस, तो फिर अच्छे से लगेगा, इस पर कलर करेंगे तो बहुत खतरनाक जहर लुक आएगा गाइस। पहले इसके कनेक्ट करेंगे गाइस, इसके प्लस माइनस को, यहाँ बैटरी प्लस पे, इससे इसके प्लस है बैटरी का, जिसको स्विच पे जोड़ देंगे, एक स्विच का एक वायर निकल जाएगा, माइनस निकल जाएगा, और चार्जिंग मॉड्यूल के प्लस माइनस को जोड़ देंगे इससे, चार्जिंग मॉड्यूल से। ओके, प्लस माइनस। ओके, जल्दी कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने सब कनेक्शन कंप्लीट कर लिए गाइस, देख सकते हो। इस चार्जिंग मॉड्यूल्स में हम ना पावर आती है ना 5 वोल्ट की देते हैं हम, जिसमें से ये चार्ज होता है सॉकेट्स के, उसके आगे ना प्लस माइनस लिखा रहता है यहाँ पे, जिसे आप ना आउट इनलेट ना जो एक्सटर्नल भी दे सकते हो इस सॉकेट को लगाया है। तो हमने यहाँ पे प्लस, ये ग्रीन वाली है जो प्लस है सोलर प्लस सोलर प्लेट की प्लस पे लग जाएगी, और ये व्हाइट वाली है जो सोलर प्लेट के माइनस पे लग जाएगी। और ये अपनी ना माइनस है, और ये स्विच का प्लस है, और ये ना यहाँ से चलने लग जाएगा। और फिर इतने से कनेक्शन है और कुछ नहीं, इसको लगाना है और यहाँ पे छेद कर देते हैं जिससे वायर निकल सके चारों। ओके, जल्दी से निकाल देते हैं। तो गाइस, इसको हमने चिपका भी लिया है और जैसे कट भी कर लिया है, इसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा साइड थी इसको। अब गाइस, कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो चुका है। अब गाइस ना कुछ इस प्रकार से इसमें मोटर भी लगानी पड़ेगी, सोलर प्लेट भी लगानी पड़ेगी, इसको एडजस्टेबल बनाएंगे। मैं किस बनाता हूँ आपको मैं सब दिखाऊंगा गाइस, अभी दिखाना। देख सकते हो गाइस, मैंने कुछ इस प्रकार से बना लिया गाइस। आपको कोई टेप इस पे क्यों लगाई गाइस, को ना चिपकाने के लिए पहले इस पर टेप भी लगानी पड़ती है, जो ना जिसका जॉइंट है अच्छे से चिपक जाए, इसलिए मैंने इस पर टेप लगा दी। फिर इसको उठाल देंगे तो इसको नीचे से क्लीन कर लेंगे, जिससे ना पीवी शीट चिपक जाए। तो गाइस, देख सकते हो मैंने इसको निकाल लिया है, अब इसको नीचे चिपका लेंगे, जल्दी से इसको चिपका लेते हैं नीचे से भी। तो गाइस, हमने इसको चिपका लिया गाइस ना, ऐसे थोड़ा पीवी शीट से अपन एक और ऐसा बनाएंगे जिससे ना ये मूव कर सके। तो देख सकते हो गाइस, मैंने कुछ इस प्रकार से इसको बना लिया है, इसके अंदर अच्छे से मूव करेगा, ये देख सकते हो इसे अच्छे से मूव करने लग जाएगा गाइस। पहले ना इसके अंदर छेद करेंगे नहीं, जिस पहले ना यहाँ पे मोटर लगाएंगे। मोटर लगाने के लिए बहुत सिंपल सा है, पर गाइस इसको पहले यहाँ पे ना इसको लगा लेंगे, जिससे ना अपने पहले ये काम तो हो जाएगा गाइस, जिससे अपने ये मूव करने का। यहाँ पे दो छेद करने पड़ेंगे, दो दो स्क्रू लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, जल्दी से लगा लेते। तो गाइस, जैसे तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म बना लिया गाइस। इसके ऊपर है ना हमने कसे नहीं, क्योंकि ना ये ना कसते तो फिर अपने ना कसनी नहीं आते, इसलिए मैंने इसको नहीं कसे, अच्छे से वर्क कराए तो भी गाइस ये अपना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ना मोटर को लगाने से पहले अपने सोलर प्लेट को एडजस्टेबल करने के लिए भी एक ऐसा फिर से बनाएंगे, इसको ना यहाँ पे एक लगाएंगे क्लिप, जिसपे यहाँ पे ऐसे गोल घूम सकते हैं। मैं जल्दी से गाइस, जैसे तो मैंने इसमें ऐसे तो लगा लिया है, अब इसमें मोटर लगा लिया जल्दी से।
तो गाइस हमने इसके सब कनेक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे ऐसे लगाए हमने मोटर को, अब इस पे कलर कर लेंगे इसकी टेपिंग और टच। हमने इस पे पेंट तो कर लिया है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पेंट हो चुका है अच्छे से। गाइस का स्क्रू खुल गया, विसल लगा देंगे इसको। तो गाइस बाद में गाइस वहां भी लगा दिया हमने। ओके तो गाइस हमने ऐसा कुछ इस प्रकार से इसका लुक लगाया है। गाइस ये देख सकते हो, मैंने इसका इफेक्ट इतना अच्छा लगाया। गाइस देख सकते हो ये एडजस्टेबल है। यहाँ पे देखो कलर कर दिया है मैंने, यहाँ पे ब्लैक कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसलिए कलर नहीं किया क्योंकि ना इसमें सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इसके फंक्शन। जैसे तो गाइस ना ये धूप की तरफ आप इसको रख सकते हो, जैसे कि इधर आ रही है धूप नीचे से तो नीचे रख सकते हो, ऊपर आ रही तो ऊपर रख सकते हो। देखते हो अभी चार्ज हो रहा होगा क्योंकि ना अपने स्टूडियो में बहुत ज्यादा लाइटिंग है। वो गाइस देखते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस पे एक टेप लगाई थी, कलर नहीं किया क्योंकि ना कलर कर दिया जिसपे अच्छे से ब्लैक भी नहीं दिख रहा है। देखते हो इस पे एडजस्टेबल है गाइस, इस स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए थोड़ा अच्छे से एडजस्टेबल हो जाएगा। और इसमें चार्जिंग मॉड्यूल है देखते हो कुछ इस पर, अब इसकी चलाते देखते टेस्टिंग करते कौन देते हो। आपको ना ये लग रहा होगा कि ना ये बहुत धीरे चल रहा है गाइस, पर धीरे नहीं चल रहा है, कैमरे में ऐसे होता है। ओके गाइस आपको पता है गाइस, देखते हो ये कितना साइलेंट है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाता हूँ गाइस, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि इसकी आवाज़ चल भी रहा है या फिर नहीं। तो गाइस चल रहा है, बहुत अच्छे से हवा आ रही है गाइस, इसकी हवा बहुत ज़्यादा तेज है गाइस। आप इसका अभी आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि इसकी तेज हवा कितनी है गाइस, इसलिए आप है ना आप बना के देख लेना इसकी कितनी हवा तेज है गाइस। बनाना बहुत सिंपल है गाइस, इसको मैंने थोड़ा यूनिक तरीके से बनाया है। ओके गाइस देखो गाइस, अभी ना इसको ना ऐसे किया जिससे अच्छे से वर्क करता है गाइस। तो गाइस ये ना अपना स्विच में ना थोड़ी थोड़ी खराबी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। देख सकते हो गाइस कितने अच्छे से वर्क, इसे तो अच्छे से आ रही गाइस, हवा कितनी अच्छी आ रही गाइस। आप इसको बना के देखना गाइस, बहुत अच्छा बनी है गाइस ये। आप इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके लिए। तो वीडियो आपको कैसे लगी, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब बताना कमेंट में करके कि ना ये आपको कैसा लगा। वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर देना जिससे अपनी मेरी वीडियो आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।